ऊपर के दो कॉटेजेस तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा हम जंगल में रह रहे हैं। बाकी मेरे जो 5-5, 6-6 किलोमीटर के ट्रैक है, अच्छा, वो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खुद घुमाता हूँ उनको। ओके, तो आप यहाँ आएंगे तो देखिए सर आपको ये सर्विस तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो देखिए हमने आपको होटल का ऑप्शन दे दिया, होम स्टे का ऑप्शन दे दिया और कैंपिंग का भी ऑप्शन दे दिया। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। देखिए कितना प्यारा वेदर हो रहा है, पूरी फॉग ही फॉग हो रही है नीचे। और इसी खूबसूरत वेदर को और खूबसूरत बनाने के लिए एक ऐसी जगह हम आपको लेकर जा रहे हैं जो अपने मनमोहक दृश्यों के लिए बहुत फेमस है। ज़्यादातर लोग उसे जस्ट क्रॉस कर देते हैं, वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। जब आप ऋषिकेश आते हैं और गंगोत्री धाम की तरफ या धनौल्टी, कानाताल, मसूरी जाते हैं तो साथ ही बहुत ज़्यादा दूर नहीं एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है उत्तराखंड में चंबा, जिसे आप छोड़ देते हैं। तो आज हम आपको वहीं लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर जो सुंदर दृश्य वहाँ देखने को मिलते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए अविस्मरणीय हो जाते हैं। तो चलिए ऐसी जगह पर आपको लेकर चलते हैं। ऋषिकेश से चंबा की दूरी लगभग 60 किलोमीटर पड़ती है, जिसमें तय करने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है और यह समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। मौसम हमेशा सुहाना बना रहता है यहाँ पर। चलिए अब हम एक टी ब्रेक ले लेते हैं रास्ते में, और हमने पहले भी यहाँ पर चाय ट्राई की हुई है, बहुत अच्छी चाय मिलती है। साथ में नाश्ता हम घर से लेकर आए हैं, तो ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आइए गर्मा गर्म नाश्ता। आज हमारे नाश्ते में देखिए कुछ अलग है, नमकीन सेवियाँ। जैसे ही आप चंबा में एंटर करते हैं आपको बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा, आपको लगेगा जैसे नॉर्मल टाउन कस्बे होते हैं वैसा ही फील होगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे की तरफ न्यू टेहरी या रानी चौरे की तरफ आएंगे तो बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को आपको मिलते हैं और इतना प्लेजेंट वेदर। जहां अभी हम खड़े हैं यहां एक रोड नीचे की तरफ जा रहा है और एक रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां पर बहुत सारे होम स्टेज हमें बताए हैं। तो चलिए आज खोज करते हैं कुछ होम स्टेज की चंबा में। खूबसूरत जगहों के बारे में तो आपको बता ही दिया है हमने, लेकिन स्टार्टिंग में हमें कुछ ये बेसिक होटल्स भी दिख रहे हैं। यहाँ भी रहने के ऑप्शंस हैं जो 1000 रुपीज़ से हमें फर्जी यहाँ मिले हैं। उन्होंने बताया है कि 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है। यहाँ पर सीजन ऑफ सीजन का कुछ ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ कॉलेज भी पास में है, स्टूडेंट वगैरह आते हैं तो हम 600 से भी स्टार्ट है वहाँ पे बच्चों के लिए। डॉर्मेट्री भी है, बाकी रूम वगैरह भी। अगर यहाँ आते हैं तो उनके लिए और क्या बताना चाहेंगे? और इधर आगे जाके डांडा चली है, वो पूरा फॉरेस्ट है, पाइन ट्री है सारा। और यहाँ से टिहरी लेक 18 किलोमीटर है और यहाँ से सुरकंडा टेम्पल भी 15 किलोमीटर है, तो सारा पास में है यहाँ से, यहाँ से कवर कर सकते हैं सारा। मसूरी भी आना जाना हो सकता है यहाँ, पूरा यहाँ से पीक्स दिखते हैं जब वेदर क्लियर है। यहाँ सामने पूरा हिमालयन रेंज है, यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ सामने दिखता है। अच्छा। और उसके उधर गंगोत्री यमुनोत्री है, तो पूरा हिमालय चारों धाम यहीं से दिख जाते हैं, चारों धाम यहीं से दिख जाते हैं। और खैट पर्वत भी दिखता है यहाँ पे, जो परियों का देश बोलते हैं उसे, पहाड़ है वो, मैंने सुना है उसके बारे में, उसकी काफी अच्छी मान्यता है। तो यहाँ से काफी अच्छी घूमने के लिए है। पंचवटी फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट और लिखा हुआ है पक्षी कुंज। यहाँ पर ये पूरा पीछे फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स देखने को हमें मिलते हैं। तो चलिए पहले पक्षी देख कर आते हैं।
तो हम टॉप में बिल्कुल, ये कुछ गाँव के घर भी हमें दिख रहे थे, तो हम यहाँ से होते हुए बीच में से और आ गए हैं बिल्कुल एंड में। बहुत खूबसूरत, यहाँ से आपको पूरा ऋषिकेश रोड चंबा पूरा दिख रहा है यहाँ से। और जहाँ भी हम खड़े हुए हैं यहाँ पर हमें बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी बर्ड्स दिख रही हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये एरिया बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ आपको मिलती हैं बर्ड्स की। अर्ली मॉर्निंग अगर आप आएंगे तो आप खुद भी देख पाएंगे, और जो बर्ड वॉचर्स हैं वो तो उनको तो पता ही है कैसे कैप्चर करना है, लेकिन घंटों वेट करना पड़ता है उनको। पर यहाँ पर उनके लिए तो ये स्वर्ग है, अल्टीमेट स्पीशीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही कुछ यहाँ मुझे नींबू और कुछ बेलें दिख रही हैं। यहाँ पर पूरी खेती की जाती है। आज क्योंकि पूरा वेदर फॉगी है इसलिए हमें पहाड़ों पर कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ जिस पॉइंट पर हम अभी खड़े हैं यहाँ से माँ सुरकंडा देवी का टेम्पल आपको क्लियरली दिखेगा। साथ ही सामने पूरी हिमालयन रेंज दिखती है यहाँ से, और बहुत शांति है यहाँ पर। अभी हम ऊपर की तरफ गए थे, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। मेन रोड से हम लगभग 200 मीटर अंदर आए हैं और हमें दरवाज़ा मिल गया है सुनकोटी हिल स्टे का, बोर्ड भी वहाँ पर लगा हुआ था। अंदर घुसे हैं तो हमें दो रास्ते दिख रहे हैं, एक उधर जा रहा था लेकिन मुझे लगा ये फ्लैग्स लगे हुए हैं ना, तो ये रास्ता इधर ही होगा, ट्राई करते हैं। हम पहुँच गए हैं, ब्यूटीफुल प्लेस, एम्बियंस देखिए, हमारा स्वागत किया इन दोनों ने। जैसे हमने डोर ओपन किया इन्हें पता चल गया था कि हम आने आ गए हैं, तो इन्होंने भौंकना शुरू कर दिया था। और सामने देखिए बहुत ही सुंदर देवदार और पाइन ट्रीज। इनके पास टोटल 3 कॉटेजेस हैं, किस तरह के कॉटेजेस हैं वो देख लेते हैं। जगह बहुत ही खूबसूरत तो है ही, लेकिन जिस तरह से कॉटेजेस बने हुए हैं बहुत ही टेस्टफुली बनाए गए हैं। और यहाँ पर हमें राकेश सिंह नेगी जी मिले हैं, एक्स आर्मी मैन हैं, और जिन्होंने यहाँ पर इतनी खूबसूरत ये जगह बनाई हुई है। सर कैसे आइडिया आया आपके माइंड में? आइडिया ऐसे, मैं जब आर्मी में था जब वहाँ से रिटायर आया तो ये हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी थी जी, तो ऐसी वेस्ट पड़ी थी। ओके। तो जब मैं रिटायर आया तो मैं काफ़ी घूमा, हाँ जी, तब मेरे को प्लान किया यहाँ पर कुछ किया जाए, तब ये मैंने इसको। पर बहुत खुद आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ, लेकिन मुझे लगता है आपको कॉटेजेस बढ़ाने चाहिए, क्योंकि 3 ही कॉटेजेस है और अब हमारा वीडियो देखकर तो यहाँ लोग आएंगे ही, तो कॉटेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। नहीं, बढ़ाएंगे, है प्लान है हमारा। जी जी, चलिए आपको कॉटेज दिखाते हैं। ब्यूटीफुल सेटअप है, प्रॉपर बेडिंग, वार्डरोब, टीवी, और ध्यान रखा गया है स्पेशली यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए, और अगर लॉन्ग स्टेज के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको वाईफाई तो मिलता ही है। साथ में ये किचनेट एरिया दिया हुआ है जिसमें अगर खुद से कुक करना चाहें तो आपको अप्लायंसेस भी दिए जाते हैं, गैस स्टोव प्रोवाइड किया जाता है, और साथ में अटैच वॉशरूम। पूरा होम स्टे ही जंगल के बीचों बीच है, और एक कॉटेज हमने आपको नीचे दिखाया, ऊपर के 2 कॉटेजेस तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा हम जंगल में रह रहे हैं, ऊपर पीछे पूरा जंगल है। कॉटेज में तो आप काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कॉटेज से ज़्यादा आप बाहर रहना पसंद करेंगे। बहुत ही वेदर क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत प्लेजेंट है। यहाँ के जो ऊपर के 2 कॉटेजेस हैं इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको किचनेट एरिया नहीं मिलता है, अदरवाइज सेम है।
फूड आपको अलग से भी प्रोवाइड हो जाता है, और जो टैरिफ इन्होंने अभी हमें बताया है 3,000 रुपीज प्लस GST फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इतनी खूबसूरत जगह पर रहने के लिए। बाकी हम इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे देंगे, तो आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। सर, हमें यहाँ पर जैसे कि खैट पर्वत के बारे में हमने आपको बताया, परियों का देश कहा जाता है, परियों का पर्वत, और यहाँ पर कुछ और भी ट्रैक्स एंड ट्रेल्स हैं जिनके बारे में सर हमें बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको खैट पर्वत के बारे में बताता हूँ। खैट पर्वत यहाँ से 60 किलोमीटर गाड़ी में जाना पड़ेगा, 60 एंड देन आपको ट्रैक है वो टोटल 5 किलोमीटर। तो जो पीक की जो हाइट है जहाँ पे वो है खैट पर्वत, 10,000 है वहाँ पे। अच्छा, तो ट्रैक जो place. है वो एकदम ऐसे स्टीप है या फिर? स्टीप, अच्छा। स्टीप एकदम, ओके। स्टीप है, वहाँ पे जानवर वगैरह थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन शाम होने से पहले वहाँ पर रहना अलाउड नहीं है, ऐसा कहते हैं। रह नहीं सकते, शाम को बिफोर इवनिंग वो आपको नीचे आना ही पड़ेगा। अच्छा, काफी मतलब एडवेंचर प्लेस, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, एक बार जरूर जाना चाहेंगे वहाँ पर। उसके अलावा और जो पीक्स आप बता रहे हैं यहाँ पर, चौखंबा पीक्स, चौखंबा है, बंदर पूछ है, तो वो सब चंद्र ट्रैक्स यहाँ से हैं? ना, ट्रैक्स नहीं है। अच्छा, वो सब दिखते हैं यहाँ से? दिखते हैं यहाँ से। बाकी मेरे जो 5-5, 6-6 किलोमीटर के ट्रैक है, अच्छा, वो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खुद घुमाता हूँ उनको। ओके, तो आप यहाँ आएंगे तो देखिए सर आपको ये सर्विस तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो ये आपके लिए और रीजनेबल हो गया। अभी यहाँ के जैसे ये भी पैकेज यहाँ पे टिहरी लेक जी और ये डोबरा चाटी, हाँ जी, सुरकंडा जी, और ये लेक में लेक एडवेंचर्स एडवेंचर। ओके, तो वो भी आप पैकेज बना के दे देते हैं? पैकेज, ये तो बहुत अच्छी सर्विसेज आप दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे वेदर में चाय मिल जाए तो अच्छी बात है, हमें बिना कहे चाय मिल रही है तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। ये देखिए पहाड़ी खीरा, मैंने हमेशा, हम खीरे खाते ही हैं, लेकिन मैंने ऐसे बेल पे पहली बार देखा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एक तो हम लेके जा सकते हैं। ये बढ़िया होते हैं ना, अभी तो छोटे हैं, अभी बड़े होते हैं। इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। एक यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन एक कोई बात नहीं, एक बहुत है हमारे लिए, एक बहुत है। चंपा के फूलों की हमने हमेशा खुशबू देखी है, आज पहली बार इतना बड़ा पेड़ देख रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि चंपा के पेड़ इतने बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए पत्ते तोड़ के दिए हमें नेगी जी ने, इसकी चटनी बनती है, खट्टा स्वाद है, आहा मजा आ गया। बोलते हैं इसको, इसको अगर डेली, क्या नाम है इसका? एमल्डू। एमल्डू, हाँ, अगर इसको सुबह सुबह खाली पेट खाया जाए तो शुगर जो है, अच्छा, शुगर के लिए फायदेमंद, खाली पेट तो मेडिसिन भी मिल जाएंगी यहाँ पर आपको। देखिए देखिए नेगी जी ने हमें इतना प्यारा सा कद्दू भी गिफ्ट किया है, और इसको आज हम घर जाके कुक करने वाले हैं। इसका टेस्ट बहुत अल्टीमेट होता है, ये इनका यहीं का उगाया हुआ है। दिस इज सौंद कोटी, ये क्योंकि विलेज का नाम है उसी के नाम पर ये होम स्टे रखा गया है, और यहाँ पर जो हमने कृष्णा पैलेस से ही शुरू किया था वापस वहीं आ गए हैं। तो एक रूम हम इनका भी देख लेते हैं, और यहाँ पीछे से क्योंकि व्यू मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है तो वो भी आपको दिखाते हैं। हमें नेगी जी ने बताया था कि आगे आप जाइए, यहाँ पर एक बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है, जिस जगह का नाम उन्होंने हमें बताया था ढांडा चिली, और हम ढांडा चिली के लिए ऊपर आ रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे रास्ते इतने खूबसूरत है, हमें लगा जहाँ हमें हमारा मन कर रहा है हम चलते हैं, और यहाँ हम पहुँच गए हैं गुरियाली, इस जगह का नाम है, भैरव मंदिर है सामने, जय भैरव बाबा, और साथ में ही ये यहाँ पर कुछ हमें एल्टीट्यूड कैंपिंग दिख रहा है, तो यहाँ सामने वो रास्ता है और उनका गेट भी दिख रहा है,
तो किस तरह की कैंपिंग है एक बार चलिए देख लेते हैं। ब्यूटीफुल लोकेशन है ये देखिए, और चारों तरफ मुझे यहाँ पर, मैं समझ रही थी ये मौसमी है, लेकिन भैया ने बताया ये माल्टा है। अभी छोटे हैं तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं और खट्टे मीठे होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ सारे इनके। ये कैंप्स हैं, काफ़ी सारे कैंप्स हैं। सामने हमें इनका डाइनिंग एरिया दिख रहा है और पीछे देखिए पूरा फॉग, अल्टीमेट व्यू होगा यहाँ से। अगर फॉग नहीं होगी तो सामने आपको पीक्स दिखेंगी, लेकिन मुझे तो ये वाला वेदर भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए इनके कैंप्स किस तरह के हैं वो देखते हैं। तो इस तरह के कैंप्स हैं, बाहर आपको सिटिंग स्पेस दिया हुआ है और अंदर बेडिंग है, फैन दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। यहाँ पर एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड, तो तीन लोग इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं कैंप्स में, क्योंकि पर पर्सन चार्जेस होते हैं, तो शेयरिंग बेसिस पे आप लेंगे तो आपको रीजनेबल पड़ता है। साथ में अटैच वॉशरूम है प्रॉपर। तो इस तरह के वेदर में अगर आपको इस लोकेशन पर कैंपिंग करने का मूड है तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी हमने आपको दे दिया है। चार्जेस यहाँ पर इन्होंने जो हमें बताए हैं 1800 पर पर्सन इंक्लूडिंग ऑल मील्स। तो देखिए हमने आपको होटल का ऑप्शन दे दिया, होम स्टे का ऑप्शन दे दिया और कैंपिंग का भी ऑप्शन दे दिया, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन लेते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर फैमिली के साथ आते हैं तो कैंपिंग का ऑप्शन आप ना लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कैंपिंग सोलोज होते हैं या फिर ग्रुप में लड़के लड़के हैं उनके लिए ठीक है, वो पार्टी करना चाहते हैं उनके लिए, उन्हें एक ऐसी स्पेस मिल जाती है। बट फैमिलीज़ के लिए या जो पीस चाहते हैं उनके लिए होम स्टे ज़्यादा बेटर है, या फिर होटल का जो ऑप्शन दिया था हमने वो भी अच्छा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, तीनों के नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, खुद की कॉल कीजिए, हमारा रेफरेंस दीजिए, बताइए कि ओटी एक्सपर्ट का वीडियो आपने देखा है, तो ऑफकोर्स आपको बेस्ट डील के साथ साथ बेस्ट सर्विसेज भी मिलेंगी। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सप्ताह के साथ। वीडियोज़ को लाइक शेयर करें और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।